हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस का ये न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाकर तैयार किया है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पोशाक बनाना सीखना है तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने येलो कलर में से एक पट्टी कट कर ली है, जिसकी चौड़ाई 5 इंच, लंबाई 35 इंच है। बिल्कुल सेम साइज़ का मैंने ये अस्तर का कपड़ा भी कट किया है। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने ये पेस्टिंग ली है, ये मार्केट में इसी तरीके से मिलती है, तो हम इसको अपने अस्तर के कपड़े पर अटैच करेंगे। इस तरीके से इसको रखकर एक स्लाइस के बीचों बीच लगा देंगे, या फिर आयरन से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। ये देखिए, पूरी पट्टी पर मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखना है। और यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए इनको अटैच कर लेना है। ये देखिए, मैंने दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको सीधा फोल्ड करना है और एक स्लाइस के किनारे किनारे लगाते हुए सेट कर देना है इसको। ये देखिए, मैंने पूरी पट्टी पर सिलाई लगा ली। अब हमें एक सिलाई यहाँ पर इस तरीके से और एक सिलाई यहाँ पर पूरी पट्टी पर लगा लेनी है, जिससे ये दोनों पट्टियाँ आपस में अटैच हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, इसकी फिनिशिंग कर देनी है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है। फिनिशिंग करने के बाद अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। देखिए, डेकोरेट करने के लिए मैंने ये दो पट्टियां ब्लू कलर से तैयार की हैं। मैंने ये पहले ही तैयार कर दी हैं, इसलिए मैं आपको ओरल में बताती हूँ मैंने किस तरीके से तैयार की हैं। देखिए, मैंने ब्लू कलर के कपड़े में से 3 इंच चौड़ी और 40 इंच लंबी दो पट्टियाँ कट कर ली थी, उनको फोल्ड करके एक सिलाई किनारे किनारे लगा ली और फिर उसको सीधा कर दिया। तो इस तरह से ये पट्टियाँ तैयार हो गई। अब हम इन पट्टियों से अपने पट्टी पर डिज़ाइन बनाएंगे। इस पट्टी में से हम 1.5 इंच लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, इन पट्टियों को यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे स्टार्टिंग में, लगभग 1/2 इंच का, और बराबर बराबर रखते हुए इनको पूरे हमें अपने बेस पर लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साइड में इनको अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इधर वाली साइड से भी इसको अटैच कर लेना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे ये वाला साइड अटैच किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सुई में धागा डालेंगे और देखिए बिल्कुल इस पट्टी के बीचों बीच में यहाँ पर इस तरीके से सुई को डालेंगे और स्टिचिंग करेंगे
तरीके से। इस तरीके से हम ये पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये पूरी पट्टी तैयार कर ली है और इनके ऊपर ये मोती भी लगाए हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने ये लेस ली है, देखिए इसको यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। पूरी पट्टी पर हम ये लेस लगा लेंगे और बिल्कुल सेम इसी तरीके से इधर भी लगाएंगे। पहले इधर लगा लेते हैं। ये देखिए एक साइड में मैंने इसको लगा दिया है। अब हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से इधर भी इसको लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इधर भी इसको लगा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से गोटा लगाकर इसको लॉक कर देना है। ये देखिए ये मैंने गोटा लिया है। इस तरीके से इसको लगाएंगे, लगभग आधा इंच बाहर की साइड रखते हुए इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। आधा नीचे रखेंगे, आधा ऊपर रखेंगे और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए एक साइड से मैंने ये लॉक कर दिया। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी लॉक कर लेंगे। चले कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसको लॉक कर दिया। अब हम इसमें प्लेट डालकर तैयार करेंगे। तो प्लेट डालने के लिए पहले निशान लगा लेते हैं। वैसे तो काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है निशान लगाना, फिर भी एक बार बता रही हूँ। देखिए स्टार्टिंग में हम आधे इंच पर निशान लगाते हैं, फिर एक इंच पर निशान लगाते हैं, फिर आधा इंच से थोड़ा सा कम पर निशान लगाते हैं, फिर एक इंच पर निशान लगाते हैं, फिर आधा इंच से थोड़ा सा कम पर निशान लगाते हैं। इसी तरीके से निशान लगाते हुए पूरी पट्टी कवर कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने पूरी पट्टी पर निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए किस तरीके से प्लेट डालनी है। ये आधा इंच वाला निशान हम छोड़ देंगे और जो आगे एक इंच वाला हमने निशान लगाया है उससे एक प्लेट को इस तरीके से उठाएंगे और आधा इंच वाले निशान पर इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। फिर ये आधा इंच वाला निशान जो हमने दूसरा निशान लगाया है इसको छोड़ देंगे और जो एक इंच वाला निशान है इससे फिर से दूसरी प्लेट उठाएंगे इस तरीके से और इस प्लेट को दूसरे निशान पर ऐसे रखेंगे। तो इसी तरीके से प्लेट बनाते हुए हमें सिलाई लगाते हुए ये घेर पूरा बना लेना है। ये देखिए हमने इसमें प्लेट डालकर तैयार कर लिया। अब एक बार हम इसमें प्रेस लगा लेंगे जिससे कि प्लेट सेट हो जाएंगी। चलिए इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है आगे। ये देखिए मैंने इस पर प्रेस लगा ली और ये कितना अच्छा घेर बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसी तरीके से तैयार कर लें। प्लेट डालने से पहले निशान ज़रूर लगाएँ जिससे कि आपका घेर भी इतना सुंदर बनकर तैयार हो। तो अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैंने येलो कलर के कपड़े में से 9 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लेते हुए सिलाई लगा लेनी है पूरे पर। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए मैंने प्रेस लगा ली। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास दो पीस तैयार हो गए। अब क्या करना है, देखिए इनको इस तरीके से तिरछा एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगा ली। अब क्या करना है, ब्लू कलर की एक पट्टी उसी तरीके से तैयार करनी है जिस तरीके से हमने बेस में लगाई है। ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिया। अब इसको हम यहाँ बीचों बीच अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें ये अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो लेस हमने अपने घेर में यूज़ की थी उसी लेस का यूज़ करेंगे।
और यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से, दोनों साइड में लगा लेना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड इसमें लेस लगाकर अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इधर से गोटा लगाकर इसको लॉक करना है और इन दोनों साइडों से भी, और बांधने के लिए डोरी लगा देनी है। चलिए इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूं कि क्या करना है। ये देखिए मैंने इसको गोटा लगाकर लॉक कर दिया है और बांधने के लिए इसमें डोरी भी लगा दी है। हम इसको कैसे पहनाएंगे, देखिए अपने कान्हा जी के कंधों पर इस तरीके से पीछे की साइड इसको फोल्ड करेंगे और डोरी से इसको ऐसे बांध देंगे। और घेर के ऊपर मैंने ये नेफा भी लगा दिया है और बांधने के लिए डोरी भी डाल दी है। तो फ्रेंड्स ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसे लगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।